डिस्कस करने वाले हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर है जिसका नाम है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्पादक का संतुलन। अब एक उत्पादक कौन होता है और क्या करता है और कैसे संतुष्ट होता है, कैसे इक्विलिब्रियम में होता है, वो समझेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विकास शाह और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है उत्पादक संतुलन, सबसे पहले बात करते हैं हु इज प्रोड्यूसर। वो बंदा, वो कोई भी इंसान जो किसी भी माल को बनाएगा और उसे रेडी करेगा फिनिश गुड्स में, ठीक है, उसे बोलेंगे क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। अब एग्जांपल के लिए आप कच्चे माल को, ठीक है, एग्जांपल एक किसी के पास भुट्टा भी है, समथिंग है ना, उसको वो जलाकर सेक कर बेक रहा है तो वो एक तरह से प्रोड्यूसर हो गया। वहीं पर कुछ लोग रॉ मटेरियल लेकर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेच रहे हैं ना, वो सारा क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। एक किसान भी कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर है, माल को बना रहा है। तो यहाँ पर एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होगा, एक बंदा बर्फ लाकर कलर लाकर मिला के गोला बना के बेच रहा है, वो भी प्रोड्यूसर है। तो एक कोई भी प्रोड्यूसर बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो कब संतुष्ट होगा, कब उसे प्रॉफिट होगा। तो देखो वही चीज हमें समझना है, एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में संतुलन में तब होता है जब उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। अब बात आ रही है प्रॉफिट का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका तो मतलब समझ लिया, वरना प्रोड्यूसर अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है यहाँ पर जब उसका टी आर माइनस टी सी क्या हो, मैक्सिमम हो। मतलब उसका टी आर जो उसे रेवेन्यू रिसीव हुआ है और जो उसने खर्चा किया है, उन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब उसे रेवेन्यू क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो प्रॉफिट यहाँ पर प्रॉफिट को डिनोट किया जाता है पाई से, और जिसका फॉर्मूला होता है टी आर माइनस टी सी, निकाल लेंगे आप। अब उसके बाद आ रहा है कि ये कैसे निकालेंगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिटरमिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना यहाँ पर दो अप्रोच हैं, एक है टी आर टी सी अप्रोच जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, टी आर टी सी अप्रोच, और दूसरा है एम आर एम सी अप्रोच, ठीक है, अप्रोच मतलब अवधारणा। अब हम टी आर टी सी वाली नहीं समझेंगे, हम कौन सी बोलेंगे, एम आर एम सी वाली। अब एम आर का मतलब क्या होता है, एम आर का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू मीन सीमांत आगम, एक एडिशनल यूनिट को सेल करने से जो एडिशनल रेवेन्यू मिलता है उसे क्या बोलते हैं, हम मार्जिनल रेवेन्यू। और एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो खर्चा होता है उसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब इसके बेस पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकाला जाता है। तो आज के वाले जो पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, और उसे अगले पोर्शन में हम क्या करेंगे, समझेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो समझो जरा, सबसे पहले प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की यहाँ पर दो कंडीशन है। सबसे कंडीशन शर्तें क्या हैं, कंडीशंस हैं, पहला एम आर बराबर होना चाहिए किसके, एम सी के, पहली चीज। और दूसरा सेकंड कंडीशन है एम सी इज इंक्रीजिंग नेक्स्ट स्टेज एस, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं एम सी इज इक्वल टू एम आर। पहला क्या है, एम सी बराबर होना चाहिए एम आर के, और दूसरा क्या होना चाहिए, एम सी ग्रेटर देन होना चाहिए एम आर के। अब आधे लोगों को इसका मतलब नहीं समझ आता है, इसका मतलब समझ लो। पहले आपने शुरुआत में कोई चीज़ बनाई, मान लो आपने मोमोज बनाना आज स्टार्ट किया, तो जब फर्स्ट डे मोमोज बनाने जाएंगे तो आप एकदम से कई सारे प्लेट मोमोज बना लेंगे या कम बनाएंगे। मान लो शुरुआत के दिन आपने बनाए 10 प्लेट मोमोज और वो क्या हो गए, सेल हो गए, तो आप नेक्स्ट डे कितने बनाएंगे, 15 प्लेट, फिर नेक्स्ट डे 20 प्लेट। तो आप ऐसे ऐसे क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं जैसे जैसे सेल हो रही है, और इससे आपका रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप कब तक बढ़ाएंगे, आप उस हद तक बढ़ाएंगे जब तक आपकी लागत कवर होती जाए और आपका प्रॉफिट निकलता जाए, ठीक है। तो अगर आपका रेवेन्यू क्वांटिटी बढ़ाने से एम आर बढ़ रहा है, और किसकी ज्यादा, किससे ज्यादा बढ़ रहा है, एम सी से ज्यादा, मतलब आपको बनाने में खर्चा रहा 8 रुपए लेकिन वो सेल हो जाता है 9 रुपए 10 रुपए 11 रुपए, तो आप बनाते रहेंगे। आप उस हद पे आके रुक जाएंगे किस पे, जब एम आर आपका खर्चा भी कितना रुपए हुआ, 8, और बिका भी कितने में, 8 रुपए में सेल हुआ। तो आप कहेंगे यार 8 रुपए का ही बना और 8 रुपए का सेल हुआ, चल देख लेता हूँ, यहाँ तक तो देख लेता हूँ, एक बार और बना के देख लेता हूँ, अगर इसको बनाने के बाद मेरे को खर्चा ज्यादा बैठा तो मैं बंद कर दूंगा। जब अगली स्टेज आई तो देखा भैया खर्चा बढ़ गया 9 रुपए और रेवेन्यू कितना आया, ओनली 8 रुपए आया खर्चा, आया 9 रुपए बनाने में और रेवेन्यू कितना मिला, 8। तो आप समझ जाएंगे बस इसका मतलब मुझे इससे ज्यादा नहीं बनाना, एक स्टेप पीछे कहाँ पे रहो, एम सी एम आर बराबर होगा और अगले पे जब एम सी बढ़ जाए इसका मतलब इससे ज्यादा मुझे नहीं बनाना, इतना ही मुझे रेवेन्यू आ सकता है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे।
हम कौन सी अप्रोच पढ़ रहे हैं, एमआरएमसी अप्रोच, उत्पादक के संतुलन की शर्त की कैसे निकलता है, ठीक है। यहाँ पे Q दिया है, P दिया है, हम TR निकाल सकते हैं। सो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24, 36, 48, 60, 72। नाउ TC से MC निकाल लो और TR से MR निकाल लो। कैसे निकलता है, नीचे वाले सबट्रैक करके, 13 में से 25 गए बचेंगे 12, 34 में से 25 घटाने बचेंगे 9, 42 में से 34 गए बचे 6 और 2 8, 52 में से गए ये 10 और ये लेस करके आएगा 8 और 8 16, ठीक है। नाउ MR ये 12 12 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार चेक कर लो, कुछ मिस्टेक तो नहीं है बुक के अकॉर्डिंग, मैं अगर देख लूँ MC 12 और यहाँ पर ये तो 12 12, MC कौन से वाले पे 12 आ रहा है, ये आ रहा है 5th पे 12, 60 में से, तो ये मैंने मिस्टेक करके गलती से 10 लिख दिया, ये क्या है 12 है, ठीक है। नाउ अभी तो देखो जरा जो मैंने टेबल देखी, आप देखो यहाँ पर हमारी पहली शर्त है MC किसके बराबर होना चाहिए, MR के। देखो MC ये रहा हमारा, ये रहा MR, और यहाँ देखो MC किसके बराबर है, MR के। कंडीशन फर्स्ट पूरी हो गई, MC किसके बराबर है, MR के। लेकिन दूसरी कंडीशन पूरी हो रही है कि यहाँ पर कि अगले स्टेप पे MC ज़्यादा होना चाहिए, तो अगला स्टेप इसका अगला ये वाला, इसमें MR ज़्यादा है MC, तो देखो जरा कौन ज़्यादा है, MR। दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही भाई, और नहीं पूरी हो रही है तो फिर तो कंज्यूमर सॉरी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में ही नहीं होगा, उत्पादक संतुलन में नहीं होगा। संतुलन के लिए क्या था, दोनों बराबर हो, अगले स्टेप पे MC ज़्यादा होना चाहिए। तो दोबारा देखो यहाँ पर भी 12 12 है, लेकिन अगले स्टेप पे कौन ज्यादा है, MC ज्यादा है एज कम्पेयर टू MR, तो एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा, कौन सी यूनिट पर, 5th वाली यूनिट पर, कंज्यूमर वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर पहली कंडीशन भी फुलफिल हो गई और दूसरी भी हो गई, ठीक है। यहाँ पर उसका बराबर तो हुआ, लेकिन अगले स्टेप पे उसको रेवेन्यू ज्यादा मिला, देखो बराबर है, लेकिन जब उसने एक और बनाया तो खर्चा है 9 रुपए और रेवेन्यू मिला 12, उसे तो लालच आएगा कि अच्छा मेरा ज्यादा में बिक रहा है मैं और बनाऊं, लेकिन यहाँ पे उसे लालच नहीं आया क्योंकि इसने जब दोबारा बनाया तो खर्चा ज्यादा आया, रेवेन्यू कम मिला। तो उसको डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये है AR कर्व, ठीक है, और MR कर्व, ये मतलब कौन सा, ध्यान रखना उत्पादक संतुलन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम दो कंडीशन होता है, एक तो प्राइस कॉन्स्टेंट रहे और एक प्राइस फॉल्स हो, तो कॉन्स्टेंट और फॉल्स दोनों में ही क्या होता है, डायग्राम थोड़ा सा चेंज होता है। अगर कांस्टेंट है तो ये वाला MR AR ऐसे बना दो और ये रहा हमारा MC। अब देखो जरा एक ये वाला पॉइंट A और एक ये वाला पॉइंट B, यहाँ पे इस पॉइंट पे MC इज इक्वल टू क्या है, MR है ना। लेकिन इसके बाद जरा ये लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे, ये चीज इसमें आप देखोगे तो MC क्या है, कम है और ज्यादा कौन है, MR। तो ये तो कंज्यूमर क्लम की सॉरी प्रोड्यूसर क्लम की शर्त को पूरा ही नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पहले क्या था, बराबर होने के बाद MC बढ़ना चाहिए था, लेकिन इधर की देखो तो MC किसके बराबर है, MR के, और उसके बाद देखो MC ज्यादा हो गया, मींस MC इज ग्रेटर देन MR। तो एक प्रोड्यूसर बजाय A पे क्लम होने के प्रोड्यूसर किस पे होगा, B पे होगा, क्योंकि B पॉइंट पे उसकी दोनों कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली कंडीशन है ये, और ये 5th वाली कंडीशन है ये, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी ऐसा दिया हो सकता है, और अगर ये जो क्वेश्चन था ना, ये था जब प्राइस क्या है, कांस्टेंट है बारह बारह, अगर प्राइस कांस्टेंट नहीं है तो उसका डायग्राम भी कुछ करीब करीब ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन कर्व वही रहेगा, ये MC हो गया, ये पहला A पॉइंट, ये B पॉइंट, कंज्यूमर क्लब में कौन से पे होगा, B में होगा, बस उसका प्राइस ऐसे आ जाएगा, क्लियर है। और साथ ही एक और चीज यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात आ रही है तो उसमें ध्यान रखना TR TC तो नहीं है, लेकिन MRMC अप्रोच है, तो आपको जो एग्जाम में आएगा उसका एक न्यूमेरिकल भी आ जाएगा MRMC अप्रोच से, और साथ ही उसका या तो डायग्राम आ जाएगा। मेरे हिसाब से ज्यादा चांसेस है 6 मार्क्स में आने के, वो ये वाला है, जब प्राइसेस कॉन्स्टेंट होगा तो आपको MRMC से क्या बताना है, इक्विलिब्रियम बताना है कि इक्विलिब्रियम कब होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप कर लेंगे इसको, ठीक है, कर लेना प्रैक्टिस, और अच्छे से 6 मार्क्स से तैयार करके आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके भी आ जाना। तो आज के लिए इतना ही फिलहाल। तो बेसिकली हो क्या रहा है,
प्रोड्यूसर क्रम वाले में यही कंडीशन आपको बतानी है कि एमसी एमआर के बराबर और अगले स्टेप पे एमसी बढ़ रहा हो एमआर को। आज वाले पार्ट में मैं यही डिस्कस कर रहा हूँ, अगले पार्ट में एक और चीज डिस्कस करूंगा, उसका न्यूमेरिकल प्रॉफिट निकालना, टीआरटीसी से अप्रोच से प्रॉफिट निकालना। और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है इस वाले टॉपिक में जो नहीं समझ आया था, कमेंट बॉक्स में लिख देना, आराम से मैं आपको उसको पढ़कर आपको नेक्स्ट वीडियो में वो कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो आज के लिए थैंक यू टाइम, बाय बाय।